वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. टुडे वी विल अगेन कंटिन्यू विद द थर्ड चैप्टर इन हिस्ट्री बुक, दैट इज मेकिंग ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर अकर होता है, विश्व युद्ध होता है अलग अलग कंट्रीज के बीच में, और उसके बाद 1929 की जो आर्थिक महामंदी आती है उसका सभी कंट्रीज के ऊपर, पर्टिकुलरली अमेरिका और उससे जो कर्ज लेने वाली कंट्रीज थी उनके ऊपर क्या असर होता है, ये सब स्टडी किया था. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था जो है उसका जो है पुनर्निर्माण किस तरीके से हुआ, वापस से ट्रैक पे आर्थिक महामंदी को झेलने के बाद वर्ल्ड की इकोनॉमी वापस ट्रैक पे किस तरीके से फिर आई. ठीक है, सो ओपन योर हिस्ट्री बुक पेज नंबर 98, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण. राइट, युद्धोत्तर काल मतलब युद्ध के बाद का जो समय है उसको हम स्टडी करेंगे. पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया. अभी हमने देखा था किस तरीके से पहले जो है जर्मनी और अलायंस कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है. ठीक है, मित्र देशों और जर्मनी के बीच में जर्मनी की हार होती है, लेकिन क्या होता है 2 दशक केवल 20 सालों के अंदर अंदर ही दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है. देखो 20 साल बहुत इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि किसी वर्ल्ड वॉर के बाद जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी इतनी जल्दी से रिवाइव कर पाए. लेकिन क्या हो अगर फिर से दोबारा से 20 साल के अंदर अंदर ही मुश्किल से ट्रैक पे आई होगी इकोनॉमी, वापस से फिर से आपको युद्ध में जाना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक या सोशल जो कंडीशन होगी वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगी. एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों. मित्र राष्ट्रों में की जब भी हम बात करते हैं उसमें आता है आपका ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका के नाम से जाना जाता था. ठीक है, 6 साल तक चला यह युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया, यानी कि हर फील्ड में इसको लड़ा गया. ठीक है, इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी. माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि कुछ तो जो है डायरेक्ट मोर्टर पे मारे गए होंगे, कुछ जो है युद्ध के समय में ही दूसरी वजहों से भी मारे गए होंगे, कोई भूख से मरा होगा, कोई बीमारी से मरा होगा, कहीं अटैक हो गया तो वहाँ पे मर गया होगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 6 करोड़ लोग जो है दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए थे वर्ल्ड वाइड. यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन थी उसकी 3% जो जनसंख्या थी वो तो इस वर्ल्ड वॉर में ही मारी गई थी. करोड़ों लोग जो है घायल हुए. अब तक के युद्धों में मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे. ठीक है, बॉर्डर पर जितने मर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा जो है उन लोगों की डेथ हुई थी जो कि बॉर्डर पर नहीं थे. ठीक है, यानी कि कंट्री के अंदर थे. यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए. कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए. ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि बॉर्डर पे ना होते हुए भी जो है लोग किस तरीके से मर रहे थे, और सिपाहियों से भी ज़्यादा, सैनिकों से भी ज़्यादा जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उससे ज़्यादा लोग कैसे मारे गए थे, क्योंकि जो है बॉम्बिंग हो रही थी, शहरों के शहर तबाह हो रहे थे. ठीक है, इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया. ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था. पुनर्निर्माण मतलब जब युद्ध खत्म होगा, चाहे कोई भी कंट्री विन करे या लूज करे, उसके बाद क्या होगा, जब भी युद्ध खत्म होगा तो पुनर्निर्माण यानी कि वापस से जब आप चीज़ों को संगठित करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने इकोनॉमी को दोबारा से पुनर्गठित करने की कोशिश करते हैं, वो सारी प्रोसेस होती है आपकी पुनर्गठन की. ठीक है, तो जब इतने ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि शहर के शहर तबाह हुए हैं, 6-6 करोड़ लोग एक साथ मारे गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी कंट्री को पुनर्निर्माण के लिए, रिवाइव होने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत और समय की ज़रूरत होगी. ठीक है, युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साय में आगे बढ़ा. पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था. सबसे पावरफुल कंट्री जो है अमेरिका उभर के सामने आया था, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो जो है आर्मी के बेसिस पे हम बोले, और चाहे पॉलिटिकली. ठीक है, सभी दृष्टि से जो है अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री बन के सामने आया था. दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया.
नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। ठीक है, अभी हमने देखा था ना किन किन दो जो अलाइज कंट्रीज थी, कैसे जो दो पार्टीज थी आमने सामने उनमें कौन कौन सी कंट्री थी। देखो एक साइड तो धुरी शक्तियां जिसमें था जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र जिसपे था ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, तो ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे के खिलाफ विश्व युद्ध को लड़ रही थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहार देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। ठीक है, क्या हो रहा था, देखो सारी पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट जितने भी कंट्रीज थी वो क्या था, आर्थिक महामंदी को झेल रही थी, लेकिन सोवियत संघ क्या था उस समय अपने देश को एक पिछड़े खेतिहार देश यानी कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री से निकाल कर जो है एक विश्व शक्ति की हैसियत में उसने खुद को ला खड़ा किया था। चित्र 24 देखेंगे, रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियां। जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी। ठीक है, हिटलर ने हमला किया था रूस पर 1941 में। देखो पिक्चर्स भी आपको दिख रही है, यहाँ पे नीचे भी है एक और पिक्चर, सोवियत रूस में युद्ध से तबाह स्टालिनग्राद, मतलब पूरे शहर देखो इस तरीके से सोवियत संघ में, इस तरीके से पूरे पूरे शहर देखो कैसे तबाह है। ठीक है, युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने क्या था, दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक निकाले। ठीक है, क्योंकि दो एक बहुत जल्दी जल्दी दो वर्ल्ड वॉर देख लिए थे वर्ल्ड ने, तो उसके बाद क्या हुआ, पहला जो है कंक्लूजन क्या निकला, वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, यानी कि वृहद उत्पादन हमने देखा था ना जिस तरीके से हेनरी फोर्ड ने क्या करता वृहद उत्पादन की शुरुआत की थी कि बल्क में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन ये निकला था कि जब वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, कंजम्पशन होगी तभी तो उन चीज़ों की डिमांड होगी ना। क्या हो रहा था, देखो जब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बल्क में क्रॉप्स प्रोड्यूस होने लगी थी तो क्या हुआ था, खेती के प्राइसेस गिर गए थे, फसलों के प्राइसेस गिर गए थे। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए लोगों ने और ज़्यादा प्रोडक्शन करा, लेकिन कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर हमें बल्क में प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हमें उपभोग का यानी कि कंजम्पशन का जो है सिनेरियो एक क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उपभोग करने वाले नहीं होंगे तो आप इतने बल्क में जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका फ़ायदा क्या होगा, किसको बेचोगे आप। ठीक है, तो इस ये जो वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना, ठीक है, व्यापक उपभोग मतलब उतने ही लेवल का कंजम्पशन भी तो होना चाहिए तभी तो वो बिजनेस जो है सर्वाइव कर पाएगा, जहाँ आप इतना बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो। बल्क में प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि कॉस्ट कम आए। ठीक है, तो साथ में हमें ये भी तो ध्यान रखना होगा ना, जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बल्क में ही डिमांड भी हो मार्केट में। ठीक है, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भी हो और एक स्टेबल इनकम लोगों के पास हो, तभी तो वो जो है ज़्यादा उपभोग की चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, जब आप क्या है, आप उपभोग की ज़्यादा चीज़ें कब खरीद पाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब होगा, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी और साथ में रेगुलर होगी, क्योंकि अगर रेगुलर नहीं होगी तो क्या होगा, एक बार आप खरीद लेंगे नेक्स्ट टाइम नहीं खरीद पाएंगे जब इनकम नहीं होगी, फिर कभी होगी आपकी इनकम ज़्यादा तो आप उस समय खरीद लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक स्थिरता होनी चाहिए लोगों की इनकम में भी, इनकम बढ़ी हुई भी होनी चाहिए लेकिन उसमें एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसे जो है सोसाइटी की जरूरत थी। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर रेगुलर नहीं होगी कि कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है तो इनकम भी स्टेबल नहीं होगी लोगों की। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को। ठीक है, जैसे कुछ तो होते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट की, जब जरूरत है जिस सीजन में जरूरत है, जैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादातर होता है ना कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट में तो लोग सब काम करने लगते हैं, लेकिन जब सीजन नहीं होता फसलों का तो उस समय लोग बेरोजगार हो जाते हैं, या फिर कभी क्या है किसी इंडस्ट्री में डिमांड है प्रोडक्शन के लिए लोगों की ज़रूरत है तब बुला लिया, उसके बाद फिर उनको निकाल दिया काम से, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रेगुलरिटी जब तक लोगों को इनकम में एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलेगी तब तक जो है वो कंजम्पशन भी नहीं बढ़ पाएगा, तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है लोगों को एक स्थिर रोज़गार देने की।
लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था, ठीक है, ताकि सरकार क्या कर सके, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फिक्स कर सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता है क्या, पता है ना आपको क्या होता है कि एक जो भी फसल आपने तैयार करी है उसको जो है कोई भी किसान जो है इतने प्राइस पे ही बेच पाएगा, उससे नीचे उसका कोई प्राइस नहीं रखेगा। उससे क्या होगा कि किसानों को पता होगा कि कम से कम हमें अपनी फसल का इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। तो कीमत को, उपज को, रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सरकार के दखल की ज़रूरत थी। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी, ठीक है। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। बाहरी दुनिया मतलब कंट्रीज का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो, ठीक है, कि वस्तुएं भी फ्रीली फ्लो कर रही हैं, कैपिटल भी और लेबर भी। संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, ठीक है। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है, IMF जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना क्यों और कब की गई थी, क्यों की गई थी, ताकि जो सदस्य देश है यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी व्यापार में जो भी लाभ और घाटे हैं उनसे निपटने के लिए जो है IMF की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, ब्रिटेन, ये जो ब्रिटेन का वुड सम्मेलन हुआ था इसमें। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी समय में IMF बना, इसी समय में आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नाम से जिसको आप जानते हैं उसका गठन किया गया, ठीक है। किस लिए, ताकि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम किया जा सके, क्योंकि युद्ध के बाद जो है सभी कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि सभी कंट्रीज जो इकोनॉमिक सेटबैक से गुजर रही थी उनको चाहिए था कि कहीं से उनको फंड्स मिले ताकि वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से जो है जिंदा कर सके। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। युद्ध के बाद जो हमने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था करी उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विश्व बैंक और IMF की स्थापना इसी जो है इसी समय पे हुई थी, इसी मीटिंग में हुई थी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों के निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसके डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। वीटो मतलब समझते हैं ना, वीटो क्या होता है कि जब आपको कोई काम मंजूर नहीं है तो आप अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं मुझे ये काम, जैसे सपोज जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कोई डिसीजन लिया, उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, 10 मेंबर है, 10 में से 9 ने कहा यस, लेकिन अमेरिका क्या है वो अपनी वीटो यूज़ करके कर सकता है नो, ठीक है। और वीटो जहाँ यूज हो गई तो डिसीजन जो है रद्द हो जाएगा, जो भी डिसीजन आप लेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो वीटो कार्ड, निषेधाधिकार, इस अधिकार के सारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। जो भी फैसला लिया गया है उसको वीटो यूज करके खारिज किया जा सकता है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, और एक कंट्री भी अगर सहमत नहीं है, उसके पास वीटो पावर अगर है, तो वो फैसला जो है नल एंड वॉइड हो जाता है, निरस्त हो जाता है उसी समय। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था
राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन गुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे फिक्स्ड होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था, ठीक है, यानी कि किस रेट पे एक्सचेंज किया जाएगा वो रेट फिक्स थी। एक डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। एक डॉलर की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी, ठीक है। ये देखो ऊपर जो चित्र 26 आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिटेन वुड्स है। ब्रिटेन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल, यह वही स्थान है जहाँ ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, शुरुआती वर्ष क्या थे युद्ध के बाद के वो देखते हैं हम। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही, ठीक है। तो कंट्रीज जो है रिवाइव करने लगी थी। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी, यानी कि वर्ल्ड की जो इनकम थी, ठीक है, उसमें 5% की दर से जो है इंक्रीमेंट हो रहा था। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही रही, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसत 5% से भी कमी रही, तो बेरोजगारी से भी निपट रहे थे। इन दशकों में तकनीक और उद्योग का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुँचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज थी वो डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था, यानी कि अभी भी जो है गुलाम जो है बने हुए थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज जो है कॉलोनीज बनी हुई थी, किनकी, औपनिवेशिक शासन की। अगले दो दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और वह संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थी, ठीक है। बहुत लंबे समय तक जो है विदेशी ताकतों ने जो है वहाँ पर रूल किया था, तो उससे उनकी पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई थी। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था, ठीक है। जो भी आपके इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी, क्योंकि इन्हीं देशों ने मिलकर इसका गठन किया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे, क्योंकि अब जो है जो औद्योगिक राष्ट्र थे वो जो है धीरे धीरे डेवलप होते, मतलब अपने आप को जो है रिवाइव कर चुके थे। तो अब IMF के पास जो है समय भी था और जो रिसोर्सेज भी थे कि वो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी अभी उपनिवेश से जो है बाहर निकल के आई है उनकी ओर ध्यान दें। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थे। विडंबना यह थी कि नवस्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था, यानी कि जिन कंट्रीज ने उनको गुलाम बनाया हुआ था, ये जो दोनों संस्थाएँ थीं जिनसे उनको लोन लेना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब देखो वो गुलाम तो रहे नहीं थी, गुलाम कंट्रीज तो नहीं रही थी, लेकिन उनको फंड्स की तो ज़रूरत थी गरीबी से निकलने के लिए, और फंड्स लेने के लिए उनको वापस से उन्हीं संस्थानों में जाना पड़ रहा था जहाँ पे वही देश जो है इम्पोर्टेंट प्लेस पे बैठे हुए थे जिन कंट्रीज ने उनको अपना गुलाम बनाया हुआ था। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नवस्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था, ठीक है। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था। चले भी गए थे लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल उन्होंने अपने हाथों में ले रखा था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे।
कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। ठीक है, MNCs वहां पे अपनी एस्टेब्लिश करती थी और बहुत कम रेट में वहां के रिसोर्सेज को यूज करती थी। दूसरी ओर ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज उठाई। समूह 77 G77 के रूप में संगठित हो गए। ठीक है, अब आपको समझ में G77 की स्थापना कैसे हुई। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मामलों में नियंत्रण मिल सके, अपनी ही कंट्रीज में उनके जो रिसोर्सेज हैं, जिन पे जो उनके औपनिवेशिक शक्तियां जो है कंट्रोल किए बैठी है, उनका होल्ड जो है उन्हीं की कंट्री को वापस दिया जाए, जिसमें उन्हें विकास के लिए आर्थिक सहायता मिले, कच्चा माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों में के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुँच मिल सके। ठीक है, बॉक्स फोर देखेंगे। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज किसको कहते हैं, MNC कंपनी जो एक साथ बहुत सारी कंट्रीज में व्यापार करती है या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 या 60 के दशक में जब अमरीकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। ठीक है, उसी समय जो है MNC कंपनियों का उदय हुआ था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता थी। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीजों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी, जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देश में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पादन बेचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने देश से बना के बेचते थे तो आयात शुल्क उनके ऊपर बहुत ज्यादा लगता था, तो इससे बेटर था कि जिस देश में वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती हैं उसी कंट्री में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट कर लें। ठीक है, जहाँ भी अपने उत्पाद को बेचना चाहती थी उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। ठीक है, आयात शुल्क टैरिफ देखते हैं क्या होता है। किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, उसको हम क्या कहते हैं, टैरिफ या आयात शुल्क। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज देश में आती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उनकी जो है लागत कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई। जो एक फिक्स्ड रेट उन्होंने डिसाइड किया था ना कि इसी रेट पे जो है गोल्ड, मतलब इसी गोल्ड के रेट पे जो है डॉलर का एक्सचेंज किया जाएगा और इसी रेट पे रुपए का या बाकी किसी और करेंसी का जो है एक्सचेंज होगा, वो चीज़ अब फेल हो गई थी और प्रभावमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता कर्ज संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगे, जिस कारण आय में फिर से गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। औद्योगिक विश्व कौन सा, जिन लोगों ने मिलकर IMF और वर्ल्ड बैंक की शुरुआत की थी, वहाँ पे भी बेरोजगारी की समस्या जो है होने लगी थी। 70 के दशक के मध्य में से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनी अभी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहाँ वेतन कम थे, वहाँ पे भी जाके वो कंपनियां क्या करने लगी, उत्पादन जो है केंद्रित करने लगी। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था।
परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे उनको जो इनकम है, जो सैलरी है, वो कम देनी पड़ती थी। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? यह चीनी अर्थव्यवस्था का अल्प लागत अर्थव्यवस्था और खास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। ठीक है, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, दूसरा वहाँ पे वेजेस कम देने पड़ते हैं। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले दो दशक में भारत और चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से जो है बदल चुका है। अब जो इंडिया है, जैसे चीन है, ब्राज़ील है, ये लोग भी अब महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे उभरने लगे हैं। तो ये सब जो था, ये वैश्वीकरण की शुरुआत था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर होता है। वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक आर्थिक क्राइसिस, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक, जो 1929 का जो गिरावट आती है प्राइसेस में, आर्थिक महामंदी आती है, फिर उससे उभरा जाता है। क्या किस तरीके से उभरते हैं? वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है, IMF की स्थापना होती है। ठीक है, दो वर्ल्ड वॉर कैसे जो है 20 सालों के अंदर अंदर दो बार वर्ल्ड वॉर लड़े जाते हैं। अर्थव्यवस्थाएँ किस तरीके से ग्रो होती है, अमेरिका किस तरीके से ग्रो होता है, लेकिन फिर से अमेरिका का डाउनफॉल स्टार्ट होता है और चीन जो है तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, भारत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है।